बनके, जहां पर तेल नदी पर 14 करोड़ की लागत से पुल बनने के बाद भी 36 गांव की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। बारिश के दिनों में लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 36 गांव के ब्लॉक और जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले दोनों रास्ते के बीच पड़ने वाले नाले इसकी मुख्य वजह है। बारिश के दिनों में इन रास्तों पर पड़ने वाले बेलाट और मुंगिया नाला के ऊपर से पानी बहने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। ग्रामीण जल्द से जल्द दोनों नालों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय नेताम ने अगले साल बारिश से पहले दोनों नाले बन जाने का आश्वासन दिया था। तो वो बड़ा पुल किस काम का? कोई काम का नहीं है, बड़ा पुल बनाने को मतलब भी है क्या? पहले इसको बनाना है तो बड़ा पुल काम करेगा। पानी आ जाने से बारिश के दौरान कमर भर पानी या घुटने के भर से ऊपर होने से बहुत खतरे की स्थिति में पार करना पड़ता है या गाड़ी को उठाना पड़ता है, इसके आवागमन में बहुत कठिनाई होती है। तो कितना 13 करोड़ का पुल बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बेलाट नाला में मतलब एक दिन बारिश हो जाने से नाला भर जाता है और आने जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। इसके तौर पर संज्ञान में आया हुआ है और हम आज प्रभारी मंत्री जी को अवगत भी कराया है कि वो बेलाट नाला है और जो वो मार्ग है 15 किलोमीटर का जो मार्ग है वो बनाना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो बजट में उसको जोड़ेंगे बहुत जल्द स्वीकृति मिलेगी और क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला। हमारे साथ पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ चुके हैं गरियाबंद से। पुरुषोत्तम, जिस तरह देखा जाए कि जिस जहां पर आवश्यकता है पुल बनाने की वहां तो पुल बनाया नहीं, उसकी बजाय दूसरी जगह पुल बना दिया 13 करोड़ रुपए का, तो ये कहां मिली भगत नजर आ रही है? आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जहां जरूरत है वहां बनाया नहीं और दूसरी जगह बना दिया गया? जी सर, मैं बता दूं आपको कि निश्चित तौर पे ये एक विभागीय कहना चाहिए, एक लापरवाही तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक अनदेखी माना जा सकता है, क्योंकि वो तेल नदी पे 12 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया है और जो उसके आगे जो देवभोग मुख्यालय को कनेक्टिविटी करता है वो है बरसाती नाले, लेकिन बरसाती पुल पुलिया पर फोकस के साथ साथ जो बड़ा नदी के पुल के साथ साथ इन बरसाती नालों पर भी फोकस किया जाना था, क्योंकि इसकी मांग जो है काफी लंबे समय से थी, लेकिन इस दरमियान जो है तेल नदी का पुल ढह गया, उसके बाद उसकी स्वीकृति की गई और 12 करोड़ में किसी तरह 4 साल के लंबे जद्दोजहद के बाद वो पुल तो खड़ा हो गया, लेकिन जो बरसाती नाले जो देवभोग को 36 गांव के लिए जोड़ती है वो बरसाती नाले का मांग जो है पिछले 2001 से लगातार होती आ रही है, लेकिन आज तक उसको स्वीकृति नहीं मिली है। ग्रामीणों का ये कहना है कि जहां जरूरत थी वहां तो बनाया नहीं, जबकि जिस जहां पर जरूरत नहीं थी वहां पुल बना दिया गया जो किसी काम का नहीं है, ऐसा ग्रामीण लोग कह रहे हैं, भी हमने खुद सुना उसमें। जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि ये जो पुल है बेलाट नाला जो है वो लंबे समय से मांग किया जा रहा था और बेलाट नाला एक ऐसा नाला है जिसमें बारिश पूरे बारिश के समय तक के लोगों को काफी परेशानी होती है। बारिश के समय अगर एक दिन भी बाढ़ आ जाए, नदी में बहाव आ जाए, नाले में बहाव आ जाए, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक के वहाँ पे मार्ग अवरुद्ध रहता है। सबसे ज्यादा शिक्षकों को भी परेशानी होती है, क्योंकि मुख्यालय के कुछ शिक्षक जो है उन नाला पार करके छत्तीसगांव जाते हैं तो कभी वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कभी वो पार नहीं कर पाते, कभी सीएल नहीं मिल पाती, उनके तनख्वाह भी कट जाते हैं। तो इस तरह से तमाम दिक्कतें जो है उस पुल के अभाव में हो रहा है। और जो देखें सरकारी पहल की बात करें तो 2001 में जब योगी सरकार के समय में इसमें 86 लाख रुपए की जो स्वीकृति जो है माधव सिंह धुरवा ने दिया था, लेकिन वो भी उसको भी अमली जामा नहीं बनाया जा सका। फिर उसके बाद बीच में रमन सिंह सरकार जब सेकंड पारी की जब शुरुआत हुई उस समय यहाँ पे 1 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, तब भी इसको जो है उसको उसमें राशि नहीं मिली और काम नहीं हो पाया। अब फिर से जो है उस सड़क के अलावा पुल के लिए पुल को नाले पर जो पुल के लिए करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जो है का प्रस्ताव जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने भेजा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अधिकारी जुड़ गए हैं, एसएल कापसे जी। कापसे जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, बेलाट मुंगिया नाले में ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन उस ओवरफ्लो को ना देखते हुए एक बाजू में एक पुल बना दिया गया है जो कि 12 करोड़ की लागत का था। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत जहां थी वहां तो कुछ किया नहीं है, तो क्या हम सबसे पुलिया जो है ना, पुलिया जो बनाता है ना बड़े वाले जी, ब्रिज वाले बनाते हैं ना कि बिलेंडर वाले जी, है ना जी, ये ब्रिज डिवीजन रहता है, ब्रिज डिवीजन वाले वो काम करते हैं, हम लोग तो सड़क बनाते हैं जी और बिल्डिंग बनाते छोटी वाली जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। क्या कांच की